नाउ लेट अस डिस्कस स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द ज्योमेट्री फॉर्म. देखो हम क्या करते थे, जेड को लिखते थे एक्स प्लस आई वाई, और मॉडुलस जेड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई. सो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस मॉड कंजुगेट जेड बाई टू. सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जेड माइनस कंजुगेट जेड बाई टू अपॉन टू वाई होगा, बल्कि ठीक है ना, बाय टू वाई. अब इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. इसमें ये वैल्यूज पुट करते जाओ, ए एक्स की वैल्यू जेड प्लस जेड बार बाय टू, वाई की हुई जेड माइनस जेड बार बाय टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. आई को हटाएंगे डिनोमिनेटर से ऊपर लिखने के लिए, बी आई हो गया और आई कैंसिल हुआ तो माइनस आ जाएगा, माइनस. सो ये बना ए जेड प्लस ए जेड बार माइनस बी टाइम्स आई इंटू जेड माइनस जेड बार प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसी एक चीज बन गई. अब कोफिशियंट सारे जो इकट्ठे कर लेते हैं, जेड का कोफिशियंट क्या बना, ए माइनस बी आई. सिमिलरली जेड बार का क्या बनेगा, मतलब जेड कंजुगेट का, ए प्लस बी आई, ठीक है, और ये बन गया 2c, जिसको मैंने एक नया वेरिएबल मान लिया c. वेरिएबल है ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो यहाँ क्या था, सारे ये रियल थे a, b, c, बट अब ये जो है a प्लस बी आई, दिस बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मैं क्या करता हूँ, एक a मानता हूँ जो ये a है, आप थोड़ी देर समझो इसको, a को मानता हूँ, a डैश ले लेता हूँ, चलो a डैश इज a प्लस बी आई, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मॉड ऑफ a डैश क्या हो जाएगा, a माइनस बी आई, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई मेरी, अब ये लाइन किस में कन्वर्ट हो गई, z इंटू कंजुगेट ऑफ a डैश, सो a डैश कंजुगेट z प्लस z डैश a प्लस c इक्वल टू जीरो, और यही होती है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, इन ज्योमेट्री कार्टेशियन फॉर्म के अंदर. और a डैश को मैं क्या रिप्रेस कर सकता हूँ, a से ही, सिंपल. सो a डैश a कंजुगेट z प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्मेट, जहां पर सी की जगह मैं इसको बी लिख देता हूँ, ए बी किससे आपको लगे. तो ये होता है जहां ए इज कॉम्प्लेक्स, बट ये जो बी है ये है रियल नंबर, ठीक है. तो अब समझ में आया आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई कैसे, क्या पुट करके क्या आंसर आया. नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन के हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी देखते हैं क्या होती है, वो ज्योमेट्री से ही देखेंगे. अब देखो ये तो नॉर्मल लिखा मैंने, अब देखो आर्ग्यूमेंट फॉर्म में क्या होता है, दो केसेस बनते हैं. अब है कि लाइन सेगमेंट बनाता हूं मैं, एक एक बनी ये है जेड वन और ये है जेड टू, और एक पॉइंट ले लेता हूं इनके बीच में आपकी बार जेड. तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन क्या लिखूं, आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड टू, ठीक है, तो वो क्या होगा, जेड माइनस जेड इस डायरेक्शन में होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये देखो ना, जेड वन माइनस जेड का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. तो यहां पाई ऐड हो जाता है, ठीक है. तो ये पाई वाला केस जो है क्यों आया, सो आप इसको लिख सकते हो अब कैसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू अपॉन जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू पाई, होगी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे दोनों. अगर देखो यही केस होता कि अब मेरा ये जेड टू है और ये जेड है, कोई भी लाइन की इक्वेशन डॉटेड से शो कर देता हूं इसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, Z1 माइनस, अब देखो अब Z माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड टू और Z माइनस जेड वन देर इन द सेम डायरेक्शन, तो आर्ग्यूमेंट इनका क्या है, प्लस जीरो हो जाएगा, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, सो दिस बिकम्स जीरो. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिकम्स आर्ग्यूमेंट Z माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड वन, जीरो और पाई. सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट फॉर्म.
जीरो होगा जब जो आपने पॉइंट लिया है दैट इज आउटसाइड जेड वन जेड टू, पाई होगा व्हेन यू हैव टेकन द पॉइंट इनसाइड जेड वन जेड टू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपनी कंजुगेट फॉर्म। अब कंजुगेट फॉर्म वैसे निकालेंगे जैसे हमने वहां पर निकाली थी, कैसे? अब इसको लो, क्या होगा, इसी को मैं लिख देता हूं, वो क्या हुआ जेड, ये लिख सकता हूं इसको, यहां ई रेस पर पाई आएगा या ई रेस पर जीरो आएगा, ठीक है ना, ई रेस पर आयोटा पाए और ई रेस पर आयोटा जीरो, ये दोनों ही क्या रिटर्न करने वाले हैं, वन वन और माइनस वन, ठीक है ना। तो अभी उससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं, कंजुगेट के लिए हम स्क्वायर करते थे ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, वैसे माइनस आएगा यहां पर अगर हम पाई लेते हैं तो, बट वी आर स्क्वायरिंग राइट नाउ, तो हो जाएगा जेड माइनस जेड टू, मैं यही कर देता हूं, इसका स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसको क्या करूंगा वही जेड माइनस जेड टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड माइनस जेड टू, इसको भी वैसे ही लिख दूंगा, जेड माइनस जेड वन इन टू जेड माइनस जेड वन का कॉन्जुगेट, ये वाली टर्म हट जाएगी, एक कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल इधर से ये कैंसिल, सो इक्वेशन ऑफ लाइन आई जेड माइनस जेड टू अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड वन का कॉन्जुगेट, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कॉन्जुगेट फॉर्म। सिमिलरली अगर इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इस लाइन को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, z z बार 1 z 1 z 1 बार 1 z 2 z 2 बार 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म हुई। ये नोटिस करो ये वही चीज है जो हम पहले कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर भी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखते थे ना इक्वेशन ऑफ लाइन डिटर्मिनेंट फॉर्म, एग्जैक्टली वही चीज है ये, ओके। तो ये भी याद रखना अगर कभी डिटरमिनेंट के अंदर ये चीज दिखे, सो यू कैन इंटरप्रेट इट एज इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। एंड द लास्ट लास्ट फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें हम कहते हैं z इज इक्वल टू टी जेड वन प्लस वन माइनस टी जेड टू, जहां पर t जो है t बिलोंग्स टू अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1, सो ये होती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। ये भी इसके आगे देखेंगे उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 z2 क्या हो जाता है, z1 z2 वो होता है इनका डिफरेंस z1 माइनस z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2, सो दिस इज स्लोप ऑफ अ लाइन इन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। अगर हम जनरल इक्वेशन देखें जिसमें होता है a बार z प्लस a z बार b इक्वल टू जीरो, तो यहां पर क्या हो जाती है स्लोप, यहां पर होती है स्लोप इज माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ मॉड z अपॉन मॉड कह रहा हूं कंजुगेट z अपॉन कोफिशियंट ऑफ z विच इज इक्वल टू माइनस a बाय माइनस a बाय a बार, ठीक है। तो माइनस ए बाय ए बार याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है कोफिशियंट ऑफ जेड बार अपॉन कोफिशियंट ऑफ जेड, जिससे याद रहे क्योंकि कई कई बार हो सकता है ये इनवर्स हो जाए, तो याद रखो कोफिशियंट ऑफ जेड बार अपॉन कोफिशियंट ऑफ जेड आगे माइनस, सो दिस इज द स्लोप, ठीक है। अब आती है बात पैरेलल और उसकी परपेंडिकुलर की, जब स्लोप की बात करिए तो वो तो करनी ही पड़ेगी कि पैरेलल क्या है और आपका परपेंडिकुलर क्या है। So, अगर दो स्लोप्स यहां पर भी अगर दो स्लोप्स पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो W1 is equal to W2 परपेंडिकुलर है तो यहां पर होता है W1 plus W2 equal to 0, ठीक है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं, देखो दो पैरेलल लाइंस हैं जिसके दो पॉइंट्स हैं Z1 Z2 और Z3 Z4, तो इसकी इक्वेशन बनाता हूं तो क्या बनेगी Z1 minus Z2 upon mod of Z1 minus Z2 is equal to Z3 minus Z4 upon modulus of Z3 minus Z4 into e raised to power iota 0, तो ये तो 1 ही बन गई e raised to power iota 0, ठीक है, वो हट गई। क्या करो स्क्वायर ले लो क्योंकि हमें एक स्लोप चाहिए, स्लोप में होता है कॉन्जुगेट फॉर्म, तो कॉन्जुगेट फॉर्म के लिए क्या हुआ Z1 minus Z2 upon इसका वो लूंगा, देखो अब डायरेक्ट स्टेप करूंगा, इतनी बार तो मैं रिपीट कर चुका हूं, तो ये क्या सिंपली आ जाएगा स्क्वायर करोगे तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का देखो z इनटू z कंजुगेट, तो एक ऊपर वाला z कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचता है
जेड बचा क्या, जेड अपॉन जेड कॉन्जुगेट, इतनी बार तो रिपीट हो गया यार, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, मुझे डफर को याद हो गया तो आप लोगों को तो हो ही जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू जेड थ्री माइनस जेड फोर अपॉन दिस। तो ये बेसिकली है क्या, दिस इज दी स्लोप ऑफ दिस लाइन और ये है स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट मीन्स डब्ल्यू वन इज इक्वल टू W2, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, उनको मैं कैसे लिख सकता हूं, Z1 माइनस Z2, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन थी इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, इसका स्लोप है ओमेगा वन, इसका ओमेगा टू, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, बल्कि इसमें मल्टीप्लाई करूंगा e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय टू, ठीक है, क्योंकि ये पाई बाय टू शिफ्ट करूंगा तो ये लाइन मिलेगी, विच इज इक्वल टू Z4 माइनस Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3। अगेन वही काम करूंगा, स्क्वेयर करूंगा, तो स्क्वेयर करता हूं तो नीचे तो मेरा ये आ जाएगा, ये देखो डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं अगेन कॉन्जुगेट, क्योंकि Z2 से ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर पाई विच इज इक्वल टू Z4 माइनस Z3 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z4 माइनस Z3। ठीक है, e raise to power of pi क्या होता है, दिस इज माइनस वन, ये क्या स्लोप थी, ये क्या बन जाएगी स्लोप ऑफ दिस लाइन, और ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, दिस विल बिकम स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो दिस मीन्स माइनस ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू, दैट इंप्लाइज ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इज इक्वल टू जीरो, और ये हमने बोला था परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कि स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर, समीशन ऑफ द स्लोप्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब स्ट्रेट लाइन में हमने एक और टॉपिक था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ये जेड वन है तो लेंथ क्या होगी ये वाली, ये अगर मैं पी कहता हूं और ये जेड वन है और ये मेरी लाइन है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमने उसमें क्या करा था, स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते थे, इस पॉइंट को लाइन में पुट करते थे और डिवाइडेड बाय दी कोफिशिएंट के मॉड को कर देते थे, तो यहां पर भी कुछ नहीं, यहां पर भी वही होगा, z1 को इस लाइन में पुट करो तो बचेगा a z1 प्लस a z1 बार प्लस b का मॉड अपॉन, बस यहां पर होगा एक चेंज, टू टाइम्स मॉड ऑफ a, बस ये चेंज हो जाएगा, टू टाइम्स मॉड ऑफ a लेना है यहां पर, तो दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ लाइन और फ्रॉम अ पॉइंट टू दिस लाइन। ठीक है, नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 16 ऑफ योर पैकेज, अगेन आईआईटी प्रीवियस ईयर 1997 में आया हुआ है, आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है और आपको बोला है कि z1 एंड z2 आर मिरर इमेजेस इन दिस लाइन, प्लस z2 की जो इमेज बनती है इस लाइन के अंदर इज z2, तो आपको प्रूव क्या करना है, that c is equal to z1 bar b plus z2 b bar। तो देखो इसमें अब जब भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योमेट्री वाले, तो जहां जहां ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो लगाओ ना यार, अगर तुम्हें पता है कि ये जो हमने स्ट्रेट लाइन में भी करा था कि z1 और z2 का जो मिडिल पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन पर लाइन पे लाई करेगा, बिकॉज ये मिरर इमेजेस हैं, तो जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये है, तो R पॉइंट क्या हो गया, पहली बात तो R हो गया Z1 प्लस Z2 बाय 2, ठीक है, और वो इस लाइन में लाई कर रहा है इस वाली, तो पुट कर दो उसे B बार Z, Z की जगह पुट करो Z1 प्लस Z2 बाय 2 प्लस B Z बार, तो वो हो गया Z1 बार प्लस Z2 बार बाय 2 इज इक्वल टू C, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई आप लोगों की। ठीक है, अभी एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो हमें चाहिए क्या, Z1 बार और Z2, तो मतलब मुझे हटाना क्या क्या है, Z1 हटाना है और Z1 और Z2 बार हटाना है मुझे, ठीक है, तो एक और कंडीशन चाहिए मुझे, वो कहां से आएगी, कि आपको पता है कि ये जो PQ लाइन है अगर इमेज है तो दिस लाइन वुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, तो दैट मींस स्लोप ऑफ PQ लाइन विल बी प्लस स्लोप ऑफ AB line will be equal to zero. तो PQ line की slope क्या होगी? Z2 minus Z1 upon Z2 bar minus Z1 bar. ठीक है? Plus slope of this क्या होगी? Minus करते थे coefficient of क्या करते थे? देखो Z bar. That is B upon
बी बार इक्वल टू जीरो, तो माइनस से उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा हटाता हूं तो दिस विल बिकम ये, ठीक है, और इसको भी उधर ले आता हूं तो जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड टू बार माइनस जेड वन बार बी अपॉन बी बार, ठीक है। अब ये देखो बी बार को अगर इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा बी बार जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड टू बार माइनस जेड वन बार इंटू बी, ये हुई सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों को फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कर दो, ये थी फर्स्ट और ये थी सेकेंड, तो देखो क्या क्या मिलेगा, बल्कि यहां लिख लेता हूं माइनस माइनस बी और ये हो गया इक्वल टू जीरो। इनको ऐड करूंगा तो क्या बचेगा, देखो बी और ये टू को मैं ले आता हूं, एक मिनट ये टू भी हटा देता हूं, टू को हटा के यहां टू सी लिख देता हूं पहली इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो क्या क्या बचेगा, ऐड करा तो बी जेड टू बी बार जेड टू हाई पर माइनस जेड वन माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ बी बार जेड टू, और इस वाली टर्म से क्या बचेगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐड कर रहा हूं तो जेड टू बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ट्वाइस ऑफ बी जेड वन बार इज इक्वल टू टू सी, टू टू हटा दो दोनों तरफ से तो क्या बचेगा बी जेड टू प्लस बी जेड वन बार इज इक्वल टू सी, और यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो क्वेश्चन अच्छा था, पर सिर्फ दो लाइन से ही क्वेश्चन, मतलब दो अगर आप कंडीशन लगा दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से, ठीक है ना। नाउ